अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान से मैं हूं सरफराज अली और इस वक्त मैं मौजूद हूं 24AXX फेज 3 में, जहां TCL ने पाकिस्तान में अपना पहला एक्सपीरियंस लाउंज ओपन किया। देखते हैं कि वहां का एक्सपीरियंस हमारे सामने क्या निकल कर आता है। तो चले आए मेरे साथ, अंदर चलते हैं। इस वक्त मैं आ गया हूँ लाउंज के अंदर और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो TCL के मिनी LED गेमिंग TV और उनके जितने भी QLEDs हैं वो यहाँ डिस्प्ले की गई हैं, ताकि जो लोग भी एक्सपीरियंस जोन में आते हैं वो ये सारी चीज़ें देख लें। बात करते हैं TCL के किसी ऑफिशियल से। TCL का पाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस लाउंज, क्या कहेंगे? हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस लाउंज खोला है। उससे पहले आपको पता है हमारे फ्लैगशिप स्टोर्स थे, इस तरह से बेसिकली लोगों को हम एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने के लिए हमने कहा कि हम लोग एक्सपीरियंस लाउंज खोलते हैं। यहाँ पे जी कोई एंट्री फ़ी नहीं है, टोटली फ्री है। लोग यहाँ पे आए और आके एक्सपीरियंस लें TV का, साथ हमने गेमिंग कंसोल्स भी रखे हुए, आके गेमिंग करें TV के ऊपर, TV का एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस लाउंज में हमने जितने भी हमारी लेटेस्ट रेंज है ना ऑफ TVs, हमने उसको लगाया है। इसमें हमारी, जैसे मैंने XL कलेक्शन का बताया, मैं बता दूँ जो XL कलेक्शन है वो हम लोग 75 इंच, 85 इंच और 98 इंच TVs को कहते हैं। और TCL वर्ल्ड वाइड के अंदर ही नंबर 1 TV है इन इतने लार्ज साइज ऑफ स्क्रीन में। ये एक TV है 85 इंच, हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है C655। ये जी हमारा QLED TV है। इसके अंदर गेम मास्टर का भी फीचर है, इसके अंदर डॉल्बी विजन और एटमोस है, इसके अंदर टी स्क्रीन प्रो का फीचर है, फिर जी AIPQ प्रोसेसर के फीचर है। तो जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं इस TV के अंदर, इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसके स्मार्ट फीचर्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस को ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। लाइक वो एक अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस है इस टेक्नोलॉजी का, जो कि आपको मार्केट में किसी और ब्रांड के साथ नहीं मिलता। हमारी TCL की आर्सेनल फुटबॉल क्लब के साथ पार्टनरशिप है, तो हमने आज आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत बड़ा मैच है, तो उसकी हमने स्क्रीनिंग भी की हुई है, हम जरा आपको दिखाते हैं। TCL जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा फोकस करता है, तो हम लोगों ने स्पेशली जो फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए स्क्रीनिंग इस एक्सपीरियंस जोन के अंदर हमने ऑर्गेनाइज़ की है। आप देख सकते हैं लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं इसको। और TCL जो है उसके जितने भी XL कलेक्शन TVs हैं उस पर हम लोगों को मैचेस दिखा रहे हैं। हम इस एक्टिविटी को और भी आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट मंथ T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, क्या TCL के जो फैन हैं वो यहाँ पे मैच आके देख सकते हैं? जी सर फराज साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हम लोग तो इसको प्लान ऑलरेडी रखा हुआ। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, हमने तो स्पॉन्सर किया हुआ वर्ल्ड, हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम है, हम जितने भी फुटबॉल या जितने भी ओवरऑल स्पोर्ट्स फैंस हैं, हम उनको अपने साथ एज अ पार्टनर बना के हम लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को एक्सपीरियंस कराएं, लोग इन्जॉय कर सकें। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे इस वक्त लोग मैच देख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस TCL के लाउंज के बारे में क्या निकल कर आता है। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त मैच? बहुत मज़ा आ रहा है जी हमें, बहुत ये अच्छा कदम है TCL वालों का, जो एक्सपीरियंस लॉन्च इन्होंने ओपन की है और ये स्क्रीनिंग देख रहे हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस तरह के और भी स्टेप लेने चाहिए इन्हें। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है TCL की जानब से, क्योंकि फुटबॉल को आपको पता है उस तरह से पाकिस्तान में प्रमोट नहीं किया जाता, सो इट्स वेरी नाइस। इट्स अच्छा बहाना है लोगों को इकट्ठा मिलने का और फुटबॉल फैंस इस अच्छे रूम में और TCL की फैसिलिटीज़ के साथ मैच इन्जॉय करें। मेन तो आपका मकसद ये है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, तो और सिटीज़ में भी कोई इरादा है? हाँ जी ज़रूर, हम लोगों को काफ़ी मतलब के लोगों की क्वेरीज़ मिल रही हैं कि आप इस चीज़ को और भी सिटीज़ में लेके आएँ, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान के और भी शहरों के अंदर एक्सपेंड करेंगे, ताकि लोग आएँ और इन्जॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको TCL का एक्सपीरियंस लाउंज कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं तो आप DHA में TCL के एक्सपीरियंस लाउंज में आकर मैच भी देख सकते हैं। ये फैसिलिटी सबके लिए है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।